Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. Okay, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. So, how are you guys? This is a new day, new vlog. Lal, I hope you guys are starting अच्छी लगी होगी. और अभी काफी कुछ नई चीजें मैंने प्लान की हैं जो आपको दिखानी है, आपके साथ शेयर करनी है. और काफी हम एकदम नया जॉनर लेके आ रहे हैं टोटली व्लॉगिंग इंडस्ट्री में. सो आज उसका पहला दिन है. फिलहाल यह देखो नॉर्मल व्लॉगिंग हम क्या करते हैं कि बेसिकली रूटीन दिखा दिया, जैसे आपने देखा थोड़ी बहुत कॉफी दिखा दी, क्या करें वो करें. मतलब इतना तुम भी बोर हो जाते हो कि यार ये चीज देखें क्या हम अगले बंदे की लाइफ कब तक करें, जब तक कुछ प्रोडक्टिविटी हमें मिलता नहीं है सुनने को. सो इसी के साथ आज प्रोडक्टिविटी ये लेके आया हूँ. शॉर्ट्स व्लॉग रहेंगे, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा. इसलिए फिलहाल आज मतलब हाँ अभी यार देखो लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, क्या करेंगे. मैं भी कहता थोड़ा बहुत काम करता हूँ, बाकी दिन भर रेस्ट वगैरह करना हो गया. आपके लिए थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, मतलब वो बनाता हूँ दिल से कि प्लान करता हूँ कोई भी चीज़ उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करता हूँ. सो इसीलिए अभी मैं काफ़ी टाइम से मतलब लेट हो गया ये जो मैं रिव्यू आज बता रहा हूँ. आज ये बेसिकली एक मूवी रिव्यू है. आपने एक मूवी का नाम सुना होगा जिसका नाम था मास्टर. उस पूरी उसका पूरा जो नाम है वो है विजय द मास्टर या मास्टर द विजय, ऐसे करके आपको अलग अलग उसमें लैंग्वेजेस से मिल जाएगा इसका नाम. बट अगर आप मास्टर टाइप करोगे तो आपको ये मूवी का ट्रेलर आराम से मिल जाएगा. और ये मूवी आपको सबसे पहले मिल जाएगी Z5 के वेबसाइट पे. हर एक बंदे कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर लोगे, आपको मिल जाएगी वीडियो. और पूरी मतलब मूवी देखना, क्योंकि अगर आप लोग मूवी देखने के शौकीन हो, मतलब ये उन लोगों के लिए वीडियो जो मतलब मूवी देखना चाहते हैं, जो बेसिकली पहले क्लासिक एकदम बॉलीवुड टाइप की मूवी होती ना, जिसमें मस्त तड़का भी है, एक्शन भी है, स्टोरी भी है, ये मूवी पूरी फुल पैक है. मतलब मैं देखने के ऐसे हो गया भाई मजा आ गया कतई जहर. मतलब इसे कहते हैं मूवी. काफी टाइम से यार मैंने राधे भी देखी, सही बता रहा हूँ, राधे भी देखी, अलग अलग मूवी देखी. राधे का जो बनाने का वो था मोटिव वो एक अलग था, वो एक एंटरटेनिंग मूवी थी यार, कोई मना नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है. या हर एक बंदे का अपना अपना टेस्ट है. ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोका कोला पसंद है या मुझे कॉफी पसंद है सबको वो पसंद हो. सो उस चीज को थोड़ा साइड ही रखो. मैं ये मूवी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो स्टोरी इतनी स्ट्रांग है, एक्शन बहुत बढ़िया है, एक्टिंग एक नंबर भाई, मतलब एक नंबर. साउथ की मूवीज मैं बहुत कम देखता हूँ, और जो भी देखी है सुनने के बाद, रिसर्च करने के बाद थोड़ा और या किसी और मतलब हाइप क्रिएट हो जाए उसके बाद ही देखी है. सो ये मूवी आज जाके जरूर देखना मास्टर, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो काफी लोगों ने भी यूज किया. बट भाई एक की जो मास्टर है ना तुम्हें प्यार हो जाएगा. इस गाने के ऊपर काफी सारी रील्स ही बनी थी क्योंकि इस गाने का जो नाम था ना वो है वाथी कमल करके. हमने काफी सारी रील्स देखी होगी कि बंदे आते थे और गाना ऐसा था वाथी कमल. हाँ तो ये वाला जो सीन है ये इसी मूवी का है. तो अगर इसका गाना इतना वायरल हो तो भाई तुम मूवी तो जाके देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा. टाइम वर्थ इट है, मजा आएगा, एंटरटेन हो जाओगे. जो एकदम लाइफ बोरिंग हो रही थी ना तुम्हें मजा आ जाएगा. जो और जिन लोगों को म्यूजिक का शौक है, मतलब जो लोग देखना चाहते ना कि एक्शन पैक धमाकेदार, ये वो मूवी है. हाँ ये वो मूवी है, मतलब तुम्हें मजा आएगा इसको देख के. और जहां तक मैं बताऊं, मैं स्पॉइलर कोई नहीं देना चाहता किसी को ताकि बदल तुम. हाँ बट मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम्हारा एक्साइटमेंट जरूर बदल जाए. सबसे पहला जो मास्टर है विजय, ही इज सुपरस्टार ऑफ साउथ, आप लोग जानते होंगे. उसके बाद मतलब जो एक एक्ट है, एक एक्ट बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग एक्ट है कि तुम मतलब अगर किसी भी लैंग्वेज में देख रहे हो, क्योंकि ये जो बनी थी वो साउथ की लैंग्वेज में लिखी थी, तमिल लैंग्वेज होगी मैं पक्का नहीं इस बात के ऊपर, बट ये तमिल लैंग्वेज में शूट हुई. उसके बाद इसको डब किया गया हिंदी में. तो जब आप किसी और लैंग्वेज डब करते हो ना तो जो बंदे का बोलने का तरीका होता है वो चीज़ थोड़ी ऊपर 19-20 लगती है, कभी कभी मैच भी नहीं लगती, आवाज़ भी मैच नहीं होती कभी कभी. और मतलब इमोशंस वगैरह, क्योंकि देखो अगर तुम पंजाबी मूवी देखोगे उसका हिंदी डब मारोगे तो उस मूवी की तो ऐसी तैसी हो जाएगी. मगर इसमें ऐसी परफेक्शनिस्ट मतलब लेवल आमिर खान वाला है. और जो डायलॉग डिलीवरी है भाई एक नंबर, गाने के जो मतलब म्यूजिक है वो एक नंबर, तो इंट्रो भी सुन के मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें. उसके बाद इसमें डांस है वो एक नंबर, स्टोरी लाइन वो एक नंबर. मतलब अगर पूरी मूवी एक नंबर है तो भाई कुछ तो वजह होगी जो मैं इतना रिकमेंड कर रहा हूँ. सो इस मूवी को जरूर देखना. ये मूवी मतलब खो मत देना कि भाई हम ये देखना, टाइम निकाल के देखो भाई, परफेक्ट मूवी है, मजा आएगा. और इसी के साथ आज का मेरा शॉर्ट सा मूवी रिव्यू खत्म होता है.
और हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अब ये रेगुलर वीडियो आपको मेरे चैनल पे कोई ना कोई मिलती रहेगी, या तो शॉर्ट्स में मिल जाएगी, या तो ब्लॉग आएगा, या तो मूवी रिव्यू, या कुछ ना कुछ आता रहेगा। मतलब तुम बैठ के खोल लोगे ना, तुम्हें मिल जाएगी वीडियो। और जनरली मैं सोचा, मैंने जो वीडियो का जो अपलोड टाइम है सुबह 9 बजे रखूंगा, तुम कभी भी देख सकते हो। कभी अगर हो सकता है जल्दी भी आएगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, जो तुम्हें पता ही होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और वीडियो के एंड में भी आ जाएगा यूजर नेम @ishanpathak26, जाके फॉलो करना स्टोरी वगैरह पे, तुम्हें पता चल जाएगा कि वीडियो आ गई है कि नहीं आ गई। तो जाओ फॉलो करो, और इसीलिए थैंक यू सो मच कि आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है, लाइक करना मत करना, मत भूलना, कमेंट जरूर कर देना अपने थॉट्स क्या विचार हैं आपके, और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। बहुत मतलब अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि तुमने सब्सक्राइब किया, पता चलता है मे बी काउंट बढ़ रहा है, और एक अलग मोटिवेशन मिलती है। ज़्यादा तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, छोटे से अवार्ड्स हैं तुम्हारे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल ब्लॉग, एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय माता दी, लेट्स रॉक। सो थोड़ा मिलते हैं।